हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टोकिया एंड टोर्सन के बारे में कि ये दोनों में कितना अंतर होता है डिस्टोकिया अलग चीज़ होती है टोर्सन पशु में अलग होता है ये किसकी वजह से होता है डिस्टोकिया में जो बच्चे की है वो स्थिति क्या होती है टोर्सन में क्या होती है यानी डिस्टोकिया एंड टोर्सन के बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा यदि वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को आप स्किप करके ना देखना वीडियो को पूरी देखना यदि अभी आप जो मेरे चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप जो बेल आइकन है उसको दबाएं और उसमें जो आल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे अब बहुत से जो मेरे वेटेनरी स्टूडेंट हैं या पशुपालक हैं उन्होंने मेरे से निवेदन भी किया था कि सर डिस्टोकिया एंड टोर्सन के बारे में हमें डिटेल से बताएं वैसे टोर्सन के बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो मैंने डाली थी लेकिन क्या कंडीशन है कि जो यदि हम लाइव यदि आपको जो टोर्सन एंड डिस्टोकिया हम जो लाइव दिखाते हैं तो वो हमें यूट्यूब अनुमति नहीं देता है क्योंकि अनुमति इसलिए नहीं देता है कि उसमें क्या है कि उसमें इस प्रकार के पशु की जो दुर्गति होती है जो टोर्सन के अंदर का सबसे ज़्यादा टोर्सन के अंदर जो पशु की जो दुर्गति होती है या पशु की जिस प्रकार से पशु को उल्टा पलटा जाता है तो उस कंडीशन में यूट्यूब ये कहता है कि आप जो मन से विचलित करने वाले जो दृश्य हैं इससे क्या है कि कोई भी पशुपालक है या कोई भी जो छोटा बच्चा है वो इस प्रकार के दृश्य को देख करके घबरा जाता है तो इस तरह की वीडियो आप जो लाइव है वो नहीं डाल सकते आप उन्हें प्रैक्टिकल जिस प्रकार से आप डायग्राम से आप उन्हें समझा सकते हैं या आप उन्हें कह करके अपनी आवाज़ से आप उन्हें अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि ये क्या स्थिति है तो इस विधि से वरना टोर्सन के बारे में मैंने एक डिटेल सी वीडियो डाली थी वो फिर मेरे को डिलीट करनी पड़ी उसके बारे में यूट्यूब की तरफ से मेरे पास इस प्रकार के कोई मैसेज आए थे तो टोर्सन के बारे में मैंने पहले एक ऐसी वीडियो थी जो टोर्सन के बारे में मैंने डिटेल सी वीडियो डाली थी तो आज मैं बताता हूँ आपको डिस्टोकिया के बारे में तो डिस्टोकिया क्या है कि डिस्टोकिया के अंतर्गत जो बच्चा होता है गर्भाशय में सिर्फ वही घूमता है सिर्फ बच्चा घूमता है बच्चे की स्थिति चेंज होती है अब बच्चे की स्थिति डिस्टोकिया के अंदर कई चेंज हो सकती है कई स्थिति होती है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं इस स्थिति में क्या है कि डिस्टोकिया के अंदर बच्चे की स्थिति होती है तो अब डिस्टोकिया में क्या होता है कि आप किस प्रकार से आप डिस्टोकिया को हल कर, कर सकते हैं यदि अच्छा पशु जिनको जानकार है पशुपालक को वो भी डिस्टोकिया का केस हल कर सकता है और जिस पशु चिकित्सक या सहायक पशु चिकित्सक को अच्छा नॉलेज हो डिस्टोकिया को वो भी अच्छी तरह से हल कर सकता है तो डिस्टोकिया में क्या है कि जब भी आप ये जाने के अंदर आप हार डालते हैं यदि बच्चे की स्थिति यदि चेंज है चेंज का मतलब है यदि बच्चे का स्थिति यदि मुंह नीचे चला गया है और पीछे वाले जो आगे वाले पैर हैं वो पीछे चले गए हैं जो पीछे वाले पैर जो आगे चले गए हैं इस प्रकार की स्थिति डिस्टोकिया के अंदर मिलती है यानी बच्चे की जो स्थिति है वो चेंज होती है इसके अंदर बच्चे की आकृति उसमें चेंज हो जाती है किस किस तरह से तो उसको हल आप आराम से कर सकते हैं उसको हल कैसे करना है वे में हाथ डालना है आपको हाथ से अच्छी तरह से देखना है कि किस प्रकार की उसकी स्थिति है मुंह कहां पे है मुंह पीछे है तो उसको कैसे सेट करना है यानी आप घुमा सकते हैं डिस्टोकिया में आप बच्चे को जिस प्रकार की स्थिति में लाना चाहते हैं उससे आप अच्छी तरह से गर्भाशय में घुमा करके उस स्थिति में आप ला सकते हैं और लाने के बाद में आप क्या करना है कि उसके जबड़े के अंदर आप उसको रस्सी डालनी है डिस्टोकिया में और रस्सी डालनी है जबड़े में और जो आगे वाले जो पैर होते हैं उसमें आप दोनों में जो रस्सी डाल लेनी है और आप अच्छी तरह से खींच करके और बाहर निकालना है और खींचना किस स्थिति में है पशु को सीधे डायरेक्ट न खींच करके आपको क्या करना है थोड़ा जो पशु की जो अड्डर या जो गादी होती है उसके नीचे तरफ साइड में आपको उसको खींचना है ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट सीधा खींचे डायरेक्ट नहीं खींचना है नीचे खींचना है ये तो हो गया डिस्टोकिया अब डिस्टोकिया में तो आपको किस प्रकार के जो आपको चित्र भी दिख रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति होती है डिस्टोकिया इतना बड़ा नहीं होता और इतनी हार्ड भी नहीं होता इसे आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं डिस्टोकिया के अंदर और वैसे भी डिस्टोकिया को हल करने के लिए उसमें जो एक उपकरण होता है यदि आपको अच्छी तरह से डालना आता है तो वो भी आप जबड़े में भी डाल सकते हैं या उनकी दो दोनों आंखें हैं ये सबसे जो मजबूत जो हड, जो हड्डी होती है ये मजबूत हड्डी होती है इसके अंदर के डालकर भी जो उसकी स्थिति है उसको आप सही कर सकते हैं और बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं डिस्टोकिया के अंदर डिस्टोकिया इतनी बड़ी कोई वो चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ा काम हो गया है डिस्टोकिया कोई हल नहीं कर सकता यदि आपको एक बार एक्सपीरियंस ले लेंगे यदि आप अपने हाथ से एक बार यदि आप अनुभव कर लेंगे तो आप डिस्टोकिया का केस हल कर सकते हैं रही बात अब टोर्सन की सबसे जो स्थिति होती है वो टोर्सन की होती है टोर्सन बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है और टोर्सन होता क्या है टोर्सन ये होता है कि जब आपके पशु की जो बच्चेदानी घूम जाती है या गर्भाशय में मरोड़ आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं टोर्सन कहते हैं जिस प्रकार से जिस प्रकार मैं आपको उदाहरण देता हूं जिस प्रकार से ये गर्भाश्यय या बच्चा दानी है इसके अंदर यह क्या है कि बच्चा है समझ गए आप ये बच्चा है तो आप टोर्सम क्या होता है इस जैसे बच्चे दानी ये बच्चे दानी है या गर्भाशय है इसके अंदर क्या है कि यह मरोड़ लग जाती है जिस प्रकार से ये एक मरोड़ लग गई ये हो गया नब्बे डिग्री यानी बच्चे दानी या गर्भाश्यय में मरोड़ क्या लगती है नब्बे डिग्री से लेकर के तीन सौ साठ डिग्री के एंगल तक मरोड़ लगती है जिस प्रकार से ये नब्बे डिग्री का लग गया अब ये किस स्थिति में लगा देखना आप और ये लग गया एक डिग्री पूरा होते ही और ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री इस प्रकार से गर्भाशय में मरोड़ लग जाती है तो अब इसमें क्या कि बच्चा तो अंदर रहता है लेकिन जब ये टोर्सन के अंतर्गत इस तरह से मरोड़ लग जाती है अब जब आप एजाइना के अंतर्गत हाथ डालते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जब भी आप हाथ डालेंगे तो ये यहाँ से तो क्या हो गया मरोड़ लग गई और आप जिसके अंदर टोर्सन में जब भी आप हाथ डालते हैं तो उसमें हार डालते हैं तो अंगुली जाती है एक अंगुली चली जाएगी आराम से आपका अंगुली आराम से चली जाएगी इसमें जब भी आप अंगुलिया हाथ डालते हैं तो अंगुली चली जाएगी लेकिन आपको क्या है कि ऊपर से जकड़ लेती है क्योंकि ये जो ये मांसपेशियाँ होती हैं जो ये बच्चे दाने की आपको जकड़ती है क्योंकि ये चारों ओर से घूमी हुई हैं तो इसमें जब भी आप हार डालते हैं तो आपको जकड़ लेती हैं आपको लगता है कि आपको हाथ नहीं, किसी तरह को अच्छी तरह से दबा लिया है ऐसी इस प्रकार से अच्छी तरह से दबा लिया बहुत प्रेशर लगता है के अंदर आप, आप आप ज्यादा देर पशु में हाथ डाल करके नहीं रख सकते आपका हाथ सुन हो सकता है क्योंकि सुन इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो एंगल है वो घुमा हुआ है अब टोर्सन के अंदर अभी टोर्सन मैंने बता दिया कि 90 डिग्री से 360 डिग्री एंगल रख देखो आपको प्रैक्टिकल के तौर पर अच्छी तरह से समझा रहा हूँ आपको देसी भाषा के अंतर्गत आप अच्छी तरह से समझ आएंगे यहाँ पर आपको ज़्यादा साइंस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है अब ये बच्चा है अब टोर में क्या है कि बच्चा स्वस्थ रहेगा बच्चे को इतनी नहीं होगी अब दिक्कत कहाँ होती है बच्चे को अब ये बच्चे को दिक्कत तब होती है जब वहाँ पर अप्रशिक्षित ए, ए जो पशु चिकित्सक या अप्रशिक्षित जो व्यक्ति पूँज जाते हैं तो उनके साथ जबरदस्ती करते हैं अब इसके साथ यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते आप जो ये टोर्सन हो जाता है तो इसमें बच्चे को अब आप इसमें बच्चे को कैसे बाहर निकालेंगे हाथ भी लग जाएगा बच्चा भी आपको हाथ लग जाएगा लेकिन उसको खींच नहीं सकते आप चाहे कितनी कोशिश कर ले एक ही मकसद हो सकता है कि आप इसको फाड़ करके निकल सकते हैं तो पशु की डेथ होना स्वाभाविक है तो आप क्या करना है अब देखो टोर्सन होता क्यों है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि टोर्सन होता क्यों है टोर्सन क्या है कि जो पशु की जो गर्भावस्था के जो अंतिम तीन महीने होते हैं उसमें गर्भाशय में मरोड़ लग जाती है या बच्चेदानी घूम जाती है तो टोर्सन हो जाता है या आपका पशु जैसे प्रेग्नेंट है या वो अचानक गिर जाए तभी आपके पशु में टोर्सन हो जाता है या आप अपने पशु को जो प्रेग्नेंट पशु है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं जो पशु आंध से तो उसमें भी यदि पशु को जो ऊंच नीच होती है उससे भी पशु की गर्भाशय की जो बच्चेदानी है वो गर्भाशय है वो मरोड़ आ जाती है उसकी वजह से भी हो जाता है और जो खुले सारा में छोड़ते हैं पशुओं को तो वो घूमते घूमते हैं ये ज़्यादा पहाड़ी एरियों में है उनमें पशु में सबसे ज़्यादा टोर्सन देखने को मिलता है जो मैदानी इलाकों के अलावा सबसे ज़्यादा पहाड़ी एरियों में देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर पशु घूमते रहते हैं बैठते हैं तालाबों में बैठते हैं और नहाते भी हैं तो उससे आपके पशुओं के बच्चेदानी या गर्भाशय में मरोड़ लग जाती है उसकी वजह से आपके पशु में टोर्सन हो जाता है तो मैंने आपको बता दिया है कि टोर्सन किस स्थिति में होता है इस स्थिति में और कई बार आप ये भी कहेंगे कि सर हमारा पशु तो बंधा ही रहता है उसकी वजह से कैसे टोर्सन हो गया और जो कंटिन्यूटी जो पशु बंदे रहते हैं उनमें टोर्सन बहुत कम देखने को मिलता है उन पशुओं में कम से कम आपको एक से दो परसेंट ही ऐसे हैं जिनमें टोर्सन देखने को मिलता है अब टोर्सन के उन पशुओ में भी तब होता है जब पशु जैसे चलते हैं अचानक गिर जाते हैं कई बार लेकिन हम इनका गौर नहीं कर पाते ये लास्ट स्टेज में आपको देखने को मिलता है और जब भी यदि आपके पशु में टोर्सन होता है तो वो समय ज़्यादा लेता है कई बार आप पशुपालक कहेंगे कि हमारा पशु बहुत ज़्यादा समय ले लिया है हमारे पशु की अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है तो उसमें समय ज़्यादा लेता है यानी जैसे नौ जैसे गाय यदि नौ महीने से आपकी गाय है वो साढ़े नौ दस के लगभग महीने भी ले, ले लेती है इसी प्रकार जो भैंस है वो दस से साढ़े दस और उससे भी ज़्यादा समय ले, ले लेती है वो होता है टोर्सन की वजह से टोर्सन की वजह से आपके पशुओं की जो बच्चा धानी का मुख कैसे खुलेगा तो खुल नहीं पाता और उसकी जो डिलीवरी नहीं हो पाती और लास्ट में पशु बहुत ज़्यादा दुख पाने लग जाता है जब उसमें बच्चा बड़ा हो जाता है और नब्बे परसेंट केस ऐसे देखे गए हैं में उनमें क्या है कि बछड़े यानी मेल कैटेगरी होती है तो बछड़े या जो मेल कैटेगरी है वो लाते हैं तो वो क्या है कि वो बड़े आकार के हो जाते हैं बड़े आकार के होते हैं तो टोर्सन की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है पशु की तो उसमें बच्चे क्या है वो नब्बे परसेंट बचरे लेते हैं और उसका वजन भी बाहर बढ़ जाता है तो आप जब टोर्सन यदि जब डालते हैं हाथ में जाने के अंदर तो उससे बंगुली जाती है तो आप टोर्सन खोलते कैसे और टोर्सन के बारे में मैंने बता दिया है कि आपको टोर्सन कैसे होता है किसके कारण होता है और इसके में अंदर क्या होता है जो मैंने ये बताई है स्थिति वो बहुत एकदम एक्यूरेट बताई है अब इसमें जैसे मैंने बताया कि ये जो गर्भाशय है या बच्चेदानी है इसके अंदर जैसे मरोड़ लगी है आप अब इसको खोलते कैसे देखो इसमें लगा कैसे है टोर्सन इस तरह से लगा है इस तरह से लगा है तो आप जब भी यदि आप अपने पशुओं को जैसे टोर्सन खोलने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या है कि पशुओं को पलटी लगानी पड़ती है पलटी लगानी पड़ती है तो आप आपको इसमें एक्सपीरियंस होना पड़ेगा वेजाने में हाथ डालना पड़ेगा हाथ डाल करके देखना पड़ेगा कि किस स्थिति में ऐसा तो लगा नहीं सकते फिर आपको एक लगानी है उसको पलटी यानी पूरी पलटी लगानी है पूरी नब्बे डिग्री की जिस प्रकार से इस स्थिति में है तो पशु को पूरे का पूरा इस प्रकार से लेकर के फिर ऐसे उसी स्थिति में लाना है ये। तो आप इसमें क्या लगा था इस प्रकार से लगा था तो आप इसके अंदर खोलना किस प्रकार से यदि आपको पलटी आपने इस साइड लगा दी यदि आपने इस साइड लगा दी यानी कहने का मतलब है कि आपने पलटी उसकी लेफ्ट साइड में लगा दी लेफ्ट साइड में लगा दी तो आपका पशु का टोर से बट वो बढ़ेगा तो अब ज़्यादातर आपको क्या करना है मैंने पशुओं को जितना हो सकता है मैंने देखा भी है बहुत से टोर्स के केस मैंने हल भी किए हैं तो देखा है तो उसमें क्या है कि आपको जब भी क्या करना है ज़्यादातर राइट साइड में आपके पशु को पलटी लगानी पड़ती है ज़्यादातर मैंने देखा है राइट साइड में पलटी लगानी पड़ती है अब लेफ्ट साइड में तो ये घूम चुका है लेफ्ट साइड में तो घूम चुका है लेकिन अब पलटी किस प्रकार से होगी राइट साइड में तो आपको एक पलटी लगाई तो ये ये पूरा एक डिग्री खुल गया नब्बे डिग्री का कौन जो राइट साइड में लगाई आपने फिर आपने दूसरी पलटी लगाई तो ये 180 डिग्री खुल गया और फिर आप हाथ डाल करके देखना आपका हाथ जाने लग जाएगा हाथ में आपको लगेगा कि थोड़ा खुला है फिर आपको पशु को क्या करना है फिर एक पलटी और लगवानी है फिर एक पलटी और लगवा दी इस प्रकार से ये तीन पलटियां हो गई तो तीन पलटी देखकर करके फिर आप अपने पशु को उसमें के हाथ डालना है कि खुला नहीं खुला फिर आप देखेंगे कि थोड़ा और है पूरी तरह से नहीं खुला है तो आपको फिर एक पलटी और लगानी है इसकी जिस प्रकार से एक पलटी और लगा दी एक पलटी लगाते ही जो ये बच्चे दानी या जो जो है इसका जो मुंह खुल जाएगा इस तरह से खुल जाएगा और आप आराम से उसके अंदर हाथ डाल करके और उस बच्चे को आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं अच्छी तरह से आप उस बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं ये तो मैंने एक प्रैक्टिकल के तौर पर बताया कि इससे बच्चे को आप अच्छी तरह से खींच सकते हैं बच्चा सही कंडीशन में आपको मिलेगा बच्चे को निकालने में लेकिन दिक्कत क्या है कि निकालने में भी बहुत ज़्यादा जोर आएगा तो इसमें क्या करना है कि जैसे पशु को यदि निकालते हैं तो उसको पशु को ऐसे गिरा करके और पशु के जो पैर होते हैं उनको जो पैर है उसको उसको एक ऊपर करना है ऐसे एक जो एक पैर है वो नीचे रहना चाहिए और एक पैर इसको ऊपर ऐसे उठाना है इस तरह से एक पैर को किसी पशुपालक से या वहां पर खड़े उनसे कहना कि एक पैर को ऊपर उठाए एक पैर को ऊपर उठा लेना है और फिर बच्चे को आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं यदि दिक्कत कर रहा है तो उसके जबड़े में मुंह में जबड़े में रस्सी डाल करके और पैरों में रस्सी डाल करके आप उस बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं इस प्रकार से टोर्सन का केस हल हो जाता है लेकिन आपको इसमें नॉलेज होना चाहिए प्रशिक्षित तो होना चाहिए टोर्सन के अंदर तो आप अब आप मैंने आपको डिस्टो के एंड टोर्सन के बारे में डिटेल से बताया है वीडियो ज़रूर लंबी हुई है लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी और फायदेमंद है रही बात की मैं टोर्सन को आपको डायरेक्ट ए, दिखा सकता हूँ लेकिन अनु बता रहा हूँ ना कि अनुमति ऐसी नहीं है कि टोर्सन को आपको दिखाऊँ वरना मेरे पास टोर्सन की बहुत सी वीडियो बनी हुई वी है टोर्सन करते हुए आपको यदि आपको जो मेरे से पर्सनल जुड़े हैं उनको जरूर मैं किसी को डाल सकता हूँ व्हाट्सएप पर या जी पर जो टोर्सन की वीडियो है तो इस प्रकार से आप टोर्सन का केस हल कर सकते हैं जो आपको मैंने प्रैक्टिकल के तौर पर बताया यदि आपको मेरी वीडियो डिस्टोक एंटोर्सन पर अच्छी लगी है तो निश्चित जाके आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटेनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ भी इस वीडियो जितना उसके शेयर भी करें मेरी वीडियो को आप लाइक करें आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता हूँ इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाद